तसव्वुर का निज़ाम है, जिस निज़ाम में इंसान सिर्फ दिखना चाहता है कि मैं देखा जाऊँ, किसी भी सूरत में मुझे खुद को दिखाना है। अब वो देखना और दिखाना एक ही सूरत में मुमकिन है कि इंसान के पास माल हो, इंसान के पास दौलत हो। अब गरीबों में अगर चमकना है तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, और वज़ीरों में अगर चमकना है तो बड़ा ओहदा होना चाहिए, और मुल्कों में अगर चमकना है तो सुपर पावर होना चाहिए। अब इस चमक और धमक के लिए इंसान सब कुछ करता है, यानी अगर उसे माल बनाना है, पैसा बनाना है, और इस माल के लिए अगर उसको रिश्वत देनी पड़ी तो रिश्वत देगा, अगर रिश्वत लेनी पड़ी तो रिश्वत देगा, अगर उस मकाम और इतने बड़े घर को बनाने के लिए भाई का हक खाना पड़ा तो खाएगा, बहन का हक लूटना पड़ा तो लूटेगा, उस लालच के चक्कर में किसी का मेल माल हड़पना पड़ा तो हड़प लेगा,
क्योंकि इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो मकसद है कि अपने माश को मजबूत करे। अब उस मजबूती का मकसद ये है कि ताकि मैं देखा जाऊँ, ताकि मेरा नाम लिया जाए, ताकि मैं कायनात में पहचाना जाऊँ, कि जिसके लिए कुरान ने इस तरह जिक्र किया कि वला तबर्रुज न तबर्रुज जाहिलिया, ऐ इंसान जाहिली ज़माने की तरह खुद को बुर्ज न बना। आज कौन सा बुर्ज मशहूर है? बुर्ज खलीफा। और उसमें कौन सा कमाल है? और दुनिया को ये बताया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अब ये उनका कारनामा है कि हमने सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई है। और पाकिस्तान में आपके बिल्डर जो हैं वो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाएंगे। ये आखिरी ज़माने की निशानी है। तो लोग बिल्डिंगें बड़ी बनाएंगे, मस्जिदें बड़ी बनाएंगे, लेकिन किरदार छोटे होंगे, लेकिन सोचें छोटी होंगी। कमाल ये नहीं कि तू दुनिया में बड़ा घर बना है, कमाल ये है कि तेरा घर जन्नत में हुसैन के साथ हो। कमाल ये नहीं कि दुनिया में तुम्हारी दोस्ती वजीर आजम या वजीर आलम या एमपी और मिनिस्टर है, कमाल ये है कि तुम्हारी दोस्ती हुसैन और आले हुसैन से। इन्नी सलमुन लिमन सालमकुम, मेरी दोस्त मेरा दोस्त और मेरी दोस्ती उनसे आए जिनकी दोस्ती हुसैन से आए। यही तो वो मकाम था कि जनाब उमर हसरत से कहने लगे, कहे काश ये मकाम मुझे मिलता। हर मुसलमान ये दावा करता रहा कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जिसके लिए खुदा दावा करे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। सवाल ये नहीं कि तू किसे पसंद करता है, सवाल ये है कि खुदा किसे पसंद करता है। ये झगड़ा अपनी जगह पे मौजूद है कि मैं बड़ा मौलाई, वो कहता है मैं बड़ा मौलाई, लेकिन हकीकत ये है कि जैसे अली अपना मौलाई कहें, ये मकाम मकाम है। तो सोच बदलने की ज़रूरत है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तो एक निज़ाम निज़ाम था जिसका नाम हमने रखा माश। तो सिर्फ माश को बनाना चाहते, और माश को क्यों बनाना चाहते? ताकि इस इंसान को देखा जाए। अब इंडिया के अंदर बड़ी पैसे वाली फैमिलीज हैं जिनमें से कंपनी ग्रुप है, दुनिया का मालदार तरीन ग्रुप है। वो अपने माल के जरिए, देखिए ना, ये माल इंसान की इज्जत नफ्स को बेच देता है। अब वहाँ के बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं, जो खुद को बहुत कुछ समझते हैं करते धरते, आप देखेंगे वो इन अंबानी के सामने जो हैं नौकरों और गुलामों की तरह फिरते हुए नजर आते हैं। यानी माश इंसान को इंसान का गुलाम बना देता है। अब वैल्यू उस शख्स में नहीं है, ये जो इसको झुका रहा है ये माल है, ये पैसा है। आज ये माल किसी और के हाथ में है, लोग उसके सामने झुकते हैं, और कल यही हाल माल जब आपके हाथ में आएगा, लोग किसके सामने झुकेंगे? आपके सामने झुकेंगे। अब मुझे ये बताइए, लोगों का 60-70 साल झुकना अच्छा है, एहतराम करना अच्छा है? दुनिया में माल होगा तो लोग इज्जत करेंगे ना। ये एहतराम जो 60-70 साल वाला है ये अच्छा है, या लोगों का वो एहतराम अच्छा है जो कयामत में हमेशा के लिए तुझे नसीब है? कयामत का दिन है यौमुल हसर, हर बंदा वहां पर हसरत करेगा। किसको देखकर हसरत करेगा? यौम तरल मोमिनून वल मोमिनात यसअ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, ऐसे मोमिनों को देखकर हसरत करेगा जिनके चेहरों से नूर निकल रहा हो। ये कौन है अगर दुआए गुजमा में इजाफा हुआ? शिया थी मेरे जो शिया हैं आला मनाबिर में नूर, वो नूर के मिंबरों पर बैठे हैं। कायनात का हर बंदा शरीयत के वजूद पर हसरत करेगा, के वजूद पर हसरत करेगा, और उसकी हसरत और दुनिया की हसरत का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ की हसरत इंसान के जिस्म को सुखा देती है, वहाँ की हसरत अजाब बन जाएगी, क्योंकि यहाँ की हसरत का फिर भी इजाला है। हसरत है तो इजाला कर सकते हो, लेकिन वहाँ की हसरत का कोई इजाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पलटने की कोई सूरत नहीं है। अरे इंसान, यही 3-3 साल तुझे दिए गए, जो 60-70 साल है, सवाल यह है तो अपनी ज़िंदगी को मैनेज किस तरह करता है? क्या अली की तरह ज़िंदगी गुजारता है, या ज़िंदगी उनकी तरह गुजारता है जिन्होंने मुखालफत अली में गुजार दी? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये नज़रिया था माश। अब यहाँ पर
सुबह उठते हैं कि मौलाना इसका मतलब यह है कि हम कमाए नहीं, पैसे जमा न करें, नौकरियां न करें। मैं कहता हूँ नहीं। दूसरी तरफ मासूम फरमाते हैं कि हमारे शियों के पास बेहतरीन दुनिया भी होनी चाहिए, बेहतरीन आखिरत भी होनी चाहिए। यही दुआ तो करते हैं, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना और फिर आखिरत हसना। खुदा दुनिया में भी हसना अता कर, आखिरत में भी हसना अता कर। बेहतरीन सवारी तुम्हारा हक है, बेहतरीन घर तुम्हारा हक है, बेहतरीन लिबास तुम्हारा हक है। लेकिन इसके साथ एक और तसव्वुर है। वो तसव्वुर क्या है कि जब भी मासूमीन की ज्यारत पे आप जाते हैं, ये चार जुमले, ये चार सिफात मासूम की ज्यारत में होती है। अशहदु अन्नका कद अकमतस सलात, मैं गवाही देता हूँ आपने नमाज को कायम किया। पढ़ाने कहीं पर भी कुरान में नहीं है कि इक्रा सलात, नमाज पढ़ो, नहीं। लफ्ज है अकामस सलात, नमाज को क्या करो, कायम करो। आपने नमाज को कायम किया। अशहदु अन्नका कद अकमतस सलात व आतैतस ज़कात, आपने ज़कात दी। व अमरत बिल मारूफ, आपने अमर बिल मारूफ यानी लोगों को अच्छे कामों की दावत दी। व नहैत अनिल मुनकर, यानी आपने लोगों को बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा। अब मारूफ के चार जुमले हैं। अब किसी मोमिन से पूछा जाए अकमतस सलात, हाँ मौलाना नमाज पढ़ता हूँ। अमर बिल मारूफ, हाँ मौलाना नेकी की दावत देता हूँ। नहीं तादिल मुनकर, हाँ मौलाना मैं लोगों को बुराई से रोकता हूँ। वह आता ज़कात का क्या हुआ, ज़कात देते हो? कब मौलाना शियों में तो ज़कात है चंद चीज़ों पे, तो मैं तो कोई काश्तकारी नहीं करता, मेरी तो कोई किशमिश नहीं, मेरा तो कोई गंदम नहीं, मेरी तो कोई खजूरें नहीं। इसने ये कह के ज़कात को बुला दिया। हालांकि इस आयत में और इस जुमले में ज़कात से मुराद वो ज़कात नहीं है जो ज़मीनों वाली ज़कात है। अजीब मकाम फिक्र है पूरे कुरान में, जहां जहां खुदा ने कहा अकामस सलात वहीं कहा वात ज़कात। इतना ज़कात का जिक्र है कुरान में, आप परेशान हो जाएंगे। और शिया उस ज़कात से गाफिल है और ये समझता है ये ज़कात वही खेती बाड़ी वाली ज़कात है और उसको देख के बुला देता है। यही तो हमारी सुनो। और अजीब मकाम फिक्र है, इतना ज़कात का जिक्र कोई कुरान की ऐसी सूरत नहीं। यहां नमाज, यहां ज़कात, यहां ज़कात, यहां नमाज। और यहां मौला ने खजूर दी थी, किशमिश दी थी। गरीब को गरीब की मदद करना ज़कात का नाम। कोई भी किसी की भी माली इमदाद करना। अब इस ज़कात में खुम्स भी है, इस ज़कात में सदका भी है, इस ज़कात में खैरात भी है, इस ज़कात में वो जमीन की जो ज़कात निकालते वो भी। ज़कात एक लफ्ज़ कुल्ली है कि मेरा सलाम हो उन पर जिन्होंने नमाज को कायम किया और ज़कात को अदा किया। ये ज़कात क्या है? रात के अंधेरों में बोरियां उठाना, ये ज़कात है। सुफरे पर बैठे और किसी मिस्कीन के दरवाजे पर दस्तक आ जाए और मौला अपना खाना छोड़ के उस मिस्कीन को दे, ये ज़कात है। ये वात ज़कात है। अरे इंसान क्या तू ज़कात निकालता है कि नहीं निकालता? किसी भी इंसान की जरूरतों को पूरा करना ये ज़कात का नाम है। अब सवाल यह है कि मैं अपने माल से कितनी ज़कात निकालता हूँ? आप भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग भी सुन रहे हैं, हम अपने माल से कितनी ज़कात निकालते हैं? जनाब के अकाउंट में करोड़ों पड़े हुए हैं। एहसान करता है लोगों पर कि मेरा रमजान में चंद लोगों को राशन देता हूँ। ये सीधा सीधे जाली तो नहीं है। इमाम फरमाते अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जितना बचता है वो राह खुदा में खर्च कर। ये है नजरिया माद, ये है नजरिया कयामत। लेकिन हम जब माश में जकड़े होंगे, मेरा ये नजरिया होगा कि सिर्फ मुझे अपना माल जमा करना है। पूरी कोशिश भी है कि मेरे बैंक में जो पैसे हैं जितने उसके जीरो पड़ते हैं मुझे बढ़ाने। हालांकि पूरी जिंदगी जीरो बढ़ाता है, खुद भी जीरो ही रहता है। लेकिन अगर इस जीरो को देता किसी गरीब को तो खुदा ऐसे हीरो बना देता। सवाल पड़े मोहम्मद वाला।
ہماری زکات کی طرح ہے. زکات ہے خیرات, کماتا کتنا ہے. ایک تو مڈل کلاس طبقہ ہے جو بیچارہ اپنے خرچوں میں پورا ہے, لیکن کچھ لوگ امیر ہیں, اللہ نے بہت دیا ہوا ہے. سوال یہ ہے وہ کتنا راہ خدا میں اس قوم پر, اس قوم کے غریبوں پر, اس قوم کے غریب سیدوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں. اچھا سب سے اہم بات, یہ مومن دعا کرتا ہے کہ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے. کون سے زخم ہیں, کون سا حال غم ہے, دکھائیں گے تو مولا تمہیں کہ جو غم امام زمانہ کو ہم نے دیے, جو زخم اس امام نے لیے, کتنی ہم نے اپنے مولا کی مدد کی. شعار دینا, نعرہ مارنا بڑا آسان ہے, لیکن ان شعاروں پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. ذرا سوچیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انتظار کا مطلب کیا ہے. حدیث معصوم ہے کہ افضل الاعمال, سب سے بہتر عمل, سب سے بہتر نماز روزہ زکات, سب سے بہتر عمل انتظار الفرج, امام کا انتظار کرنا. جب لفظ عمل آیا, سب سے بہتر عمل عربی ہے نا, سب سے بہتر عمل, عمل ہے ایکٹیویٹی کا نام, بے عملی انتظار نہیں. انتظار ایک عمل ہے, انتظار ایک ایکٹ ہے, انتظار ایک ایکشن ہے. تو سوال یہ ہے کہ انتظار کون سا ایکشن ہے. ایک مرتبہ ہم انتظار انگلش میں کہتے ہیں ویٹنگ, ویٹ کرو. ویٹ کرنے کا مطلب بیٹھ جاؤ, کچھ بھی نہ کرو, ٹھیک ہے نا. آپ نے جہاز کی ٹکٹ لی, 3 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچے, 1 گھنٹہ پہلے ٹرین کے لیے پہنچے, 25 منٹ پہلے بس کے لیے پہنچے, ویٹنگ ہال میں کیا کرتے ہو, ویٹ کرتے ہو. کس کا ویٹ کرتے ہو, جہاز کا ویٹ کرتے ہو. آج کا شیعہ امام زمانہ کا ایسے ویٹ کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے تاکہ امام آئے. جبکہ امام کیا فرماتے ہیں کہ انتظار ایک عمل ہے, اور سب سے بہتر عمل ہے انتظار کرنا, ویٹ کرنا نہیں, عمل کرنا. مولا کیا عمل کروں, اپنی دعاؤں میں دیکھ لیجیے. دعا کیا کرتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما, مجھے مولا کا ناصر اور ناصرین میں شمار فرما. مومن خود سے پوچھے تو صحیح, کیا امام آئیں گے تو کیا فوج لے کر آئیں گے, مولا آئیں گے تو کیا کوئی بڑی لشکر لے کر آئیں گے. نہیں, تو لشکر میں شامل فرما کا مطلب کیا ہے. امام فرما تو میرا لشکر موجود ہے, تو شامل ہو جا. ان فیوچر کیوں کہتا ہے کہ شامل فرما, نہیں, میرا لشکر موجود ہے تو شامل ہو جا. لشکر کا کام کیا ہے, لشکر دفاع کرتا ہے. کس چیز کا دفاع کرتا ہے, پاکستان کی فوج کس چیز کا دفاع کرتی ہے, افواج پاکستان کس چیز کا دفاع کرتے ہیں, سرحدوں کا, زمینوں کا. انچ انچ اس پاکستان کی زمین کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہے, فوج پر ہے, ٹھیک ہے. تو جس زمین اور جس ملک کے سرحدوں کا فوج دفاع کرے, اس ملک کے باشندوں پر کیا فرض ہے, اس ملک کی فوج کو سپورٹ کریں, مورلی سپورٹ کریں, فائنینشلی سپورٹ کریں, اخلاقی سپورٹ کریں. کیونکہ جس ملک کی فوج بلند ہوگی, اس ملک کی حفاظت بھی اتنی مضبوط ہوگی. جس ملک کی فوج کمزور ہوگی, اس کا حال افغانستان جیسا, لیبی جیسا, یمن جیسا ہو جائے گا. لیکن اگر فوجیں مضبوط ہیں, اگر سرحد مضبوط ہے, تو اس کے فوائد کیا ہیں, آپ کا مال بھی بچے گا, آپ کا ناموس بھی بچے گا, آپ کی عزت بھی بچے گی. کیونکہ دشمن جب حملہ کرتا ہے, پہلا کام کیا کرتا ہے, غارت کرتا ہے, عزتوں کو لوٹتا ہے, جوانوں کو مارتا ہے. تو سرحد کے بچنے سے کیا ہوا, 3 چیزیں میری بچ گئی, مال بچا, ناموس بچا, عزت بچا. یہ 3 چیزیں تو دنیا سے ان کا تعلق ہے. ایک چیز اور ہے جس کے بچنے سے میری قیامت بچتی ہے. یہ فوج تمہارے مال کو بچا سکتی ہے, ناموس کو بچا سکتی ہے, عزت کو بچا سکتی ہے. لیکن ایک اور فوج, امام زمانہ کی فوج کا مطلب کیا ہے, اماموں کا کام کیا تھا, حسین ابن علی کا کام کیا تھا, جو تم دعا کرتے ہو کہ مجھے ناصر حسین بنا, اس فوج کا کام کیا ہے. وہ فوج امام زمانہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. سرحد امام کیا ہے, سرحد مولا کیا ہے. فرمایا ڈیوٹی ہے ہر امام کی, اور ہر ولی کی, اور ہر نبی کی, اور ہر رسول کی, کہ وہ اللہ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرے.
इमाम सिपह सालार है उस फौज का, नबी सिपह सालार है उस फौज के, अंबिया सिपह सालार है उन अफवाज के जो अफवाज दीन खुदा की सरहद की हिफाजत है। तो सवाल यह है कि आज तो शामिल हो जाओ उस फौज में, कौन सी फौज है? जो फौज दीन की हिफाजत करे। दीन अगर बच जाए तो क्या बचता है? हया बचता है। दीन अगर बच जाए तो क्या बचता है? गैरत बचती है, जिसे हम गैरत दीनी कहते हैं। दीन अगर बच जाए तो क्या बचती है? इंसान की कब्र बचती है। दीन अगर बच जाए तो क्या बचता है? इंसान की कयामत बचती है। लेकिन अगर दीन तबाह हुआ उससे क्या होता है? बेहयाई फैलती है, बेगैरती फैलती है, माशरे में हराम का लुकमा फैल जाता है। अब आइए जाहिरन अपने माशरे में आइए, एक ही इमाम ज़माना की फौज, अगर फौज होती तो माशरे में बेहयाई होती है? अगर फौज होती तो माशरे में ये नाच ये गाना होता? अगर इमाम की फौज मजबूत होती तो तुम्हारी शादियों में गाने होते? अगर इमाम ज़माना की फौज मजबूत होती तो इतनी आवारागर्दी होती? नहीं होती। तो अमल ये बता रहा है कि मौला की फौज कमजोर है। तो आप कहेंगे कि मौलाना फौजी हैं कहाँ जिनको मैं मजबूत करूं? कौन सी चीजें दीन को मजबूत करती हैं? मदरसे दीन को मजबूत करते हैं, मस्जिदें दीन को मजबूत करती हैं, हौज़ा-ए-इल्मिया दीन को मजबूत करते हैं, उलमा दीन को मजबूत करते हैं, तलबा दीन को मजबूत करते हैं, दीनी तंजीमें दीन को मजबूत करती हैं। तो ये जितने मैंने नाम दिए ये इमाम ज़माना की फौज के मोर्चे हैं। जब दीन पे अटैक होता है तो लोग दीन से अटैक करते हैं, दीन पर अटैक नहीं करते, मौलवी पे अटैक करते हैं, तंजीम पे अटैक करते हैं, मदारिस पे अटैक करते हैं, मस्जिद पे अटैक करते हैं, इमाम बाड़ों पे अटैक करते हैं, मिंबर पे अटैक करते हैं। क्यों? उनको पता है ये दीन के मोर्चे। तो अगर अवाम में से दीन को खत्म करना है, मोर्चे को तबाह कर दो। अवाम में से दीन को खत्म करना है, मौलवियों को खत्म कर दो। और सबसे ज्यादा चुटकुले लतीफे किसके बनते हैं? मौलवियों के। और अल्लाह का शुक्र है शिया मौलवियों के तो नहीं बनते। पूरी की सोशल स्टडी जब आप करेंगे ना कि इतने लतीफे मौलवियों पे क्यों हैं? लफ्ज मौलवी नहीं, मुल्ला। हाँ, कोई खाऊ हो, कोई पेटू हो, कहा जा रहा है मौलवी है। क्यों? क्योंकि इब्तिदा से उन्होंने कहा कि दीन का मजाक उड़ा, और मज़ाहिर दीन कौन है? उलमा। दीन का मजहर मौलवी। मौलवी को खराब कर दो, मौलवी खराब हो गया तो दीन खराब। ये जवान कहेगा इसे फॉलो करो जिसका 4 फीट का पेट है, जो सुफरे पे बैठता है, इसे तमीज नहीं, खाना कैसे खाया जाता है? तो इनको खराब कर दो, इनको खरीद लो। जब मौलवियों को खरीद लोगे तो दीन पहुंचाना तो इनकी जिम्मेदारी है। जिस मुल्क की फौज बिक जाए, दीन खुदा की अफवाज को खरीद लो, तो इन्होंने सऊदी अरब के मुल्लों को खरीद लिया। दीन तबाह हुआ कि नहीं हुआ? दीन बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? दीन में टेररिज्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दीन में दहशतगर्दी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? दीनी मुल्लों से डरने लगे कि नहीं लगे? आपको एक बड़ी पिक्चर देना चाहता हूं। देखिए, ईरान का इंकलाब आया, इमाम खुमैनी ने एक नारा मारा, कहा न शर्की न गर्बी, जमहूरी इस्लामी। यानी न शर्क का निज़ाम हम लेंगे न गर्व का। दो निज़ाम थे इस दुनिया में, एक शर्क का निज़ाम, गर्व का निज़ाम। रशिद न रशिया न अमरीका, न रशिया न ब्रितानिया। हम एक नया निज़ाम बनाएंगे जिसको कहा निज़ाम इस्लामी। अफसोस से वो निज़ाम उस तरह चल नहीं सका जो इमाम खुमैनी का ख्वाब था। कहा कि निज़ाम इस्लामी हम बनाएंगे, ठीक है। दुश्मन डर गया। इन्होंने दुनिया को एक सिस्टम दिया था ना, पार्लियामानी सिस्टम, जिसमें पाकिस्तान चला, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम था ही नहीं। तो हमने सिस्टम को एडोप्ट किया, बनाया खुद नहीं, एडोप्टेड सिस्टम है। या प्रेजिडेंशियल सिस्टम, सदारती निज़ाम वो अमेरिका में चलता है, वो दो सिस्टम। उन्होंने कहा एक नया सिस्टम है, उन्होंने कहा हमने दुनिया को खुद सिस्टम दिया। सिस्टम देने का मतलब यह है कि ये वैसे हुकूमत करेंगे जैसे हम चाहते हैं। इनके मुल्कों को, इनके निज़ाम को, इनके मीडिया को, इनके एजुकेशन सिस्टम को सारा हम खुद हैंडल करेंगे। तो इन्होंने एक सिस्टम दिया। अब एक नया सिस्टम बना दुनिया में,
जब आप सोशल स्टडी में जाएंगे, एक नया सिस्टम, लिबरलिज्म था, कम्युनिज्म था, सारे इज्म बने ना, बनते 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 अब जिस इज्म में लिबरलिज्म में हम रह रहे हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी और इज्म के मानने वाले हैं, लेकिन एक और इज्म में मानो को मैंने नहीं दिया जिसे इस्लामिज्म कहें, आप कहें इस्लामी निज़ाम। अब खुमैनी का मकसद ये था कि ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो दुनिया के लिए रोल मॉडल, कि इटली, फ्रांस, यूके, अमेरिका के लोग भी कहें कि हमें ऐसा निज़ाम चाहिए, वो निज़ाम जिसमें आदल हो, वो निज़ाम जिसमें रात में कोई भूखा न सोए, वो निज़ाम जिसमें जजा और सज़ा का कानून हो, एक बेहतरीन निज़ाम। उस निज़ाम को बनाने के लिए शोजा बैठे हुए गलत कहानी है, खाक में अमरीका डर गया। इन्होंने कहा अगर एक मुल्क अपने मुल्क में खुद साख्ता इस्लामी निज़ाम लाता है तो जितने भी मुसलमान ममालिक हैं 40-50 वो भी इसी निज़ाम को फॉलो करेंगे, वो भी कहेंगे कि हमें अपने मुल्क में शरीयत का निज़ाम चाहिए, कुरान का निज़ाम चाहिए, सुन्नत का निज़ाम चाहिए, ये निज़ाम हम नाफिज करना चाहते हैं। कि ये मशहूर है ना कि ज़ियाउल हक़ जब ईरान गया और इन्होंने खुमैनी से मिलने की ख्वाहिश की तो मिल नहीं रहे थे, तो इन्होंने कहीं उनको जाकर पैगाम दो मैं पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना चाहता हूँ। तो खुमैनी ने जवाब दिया पहले इस निज़ाम को अपने चेहरे पर तो नाफिज करो, फिर मुल्क पे नाफिज करना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले ना। तो ये डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान कॉपी करे, पाकिस्तान कॉपी करे, अरब ममालिक कॉपी करे, मिस्र कॉपी करे, लीबी कॉपी करे, तो फिर तो ये सारे ममालिक मेरे हाथ से निकल जाएंगे, मेरा जितना इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि एक और इस्लामी निज़ाम बनाओ जिसको दुनिया में उभारो। मसलन ईरान में एक इस्लामी निज़ाम आया, आकिम वो था जो दाढ़ी रखता था, नमाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी था, ये एक रोल मॉडल था आवाम के लिए। इन्होंने कहा एक और निज़ाम बनाओ। अच्छा कहाँ बनाए? का इसी मुल्क के साथ अफगानिस्तान में बनाओ। इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को मदद की और तालिबान की हुकूमत वहाँ पे आ गई 90s में, 5-6 साल इसको सपोर्ट किया। बेनज़ीर अपनी किताब में लिखती है कि सऊदी अरब से डॉलर्स के जहाज भर भर के पाकिस्तान आते थे, किताब में लिखती है कि डॉलर्स वहाँ से आते थे, मौलवी भेज दिए थे, सोच हम इनको दे रहे थे। तो वहाबिज्म की सोच है कि आपकी सारी जो बॉर्डर्स लाइन है वो ख़राब है, आज फौज कहाँ पर लड़ रही है? बॉर्डर्स पर, तफ्तान दे दिया, बलूचिस्तान के बॉर्डर्स दे दिया, केपीके के बॉर्डर्स दे दिया, क्योंकि यहाँ पर वही सोच थी कि सऊदी अरब की सोच कि अपने अलावा कोई और मुसलमान है ही नहीं, हम ही मुसलमान हैं, बाकी सारे काफ़र हैं, सारे मुशरिक हैं, ये सोच जो सऊदी अरब की सोच है, सोच भी वहाँ से आ रही थी। पैसा अमरीका और सऊदी अरब दोनों का पैसा था, क्या जहाज भर भर के आते थे, उस हुकूमत को बनाया गया। एम क्या था, रीज़न क्या था? जब हुकूमत बन गई तालिबान की, अब उसका करीब तरीन चेहरा था जिसका लकब रखा दौलतुल इस्लामी या हुकूमत इस्लामी। अब ये इस्लामी हुकूमत क्या करती थी, दिखाते खातून को पकड़ा है और उस खातून को पत्थर मार, वीडियो बन गई, सोशल मीडिया पे चल गई, ये हुकूमत इस्लामी। दिखाया जितने नौजवान हैं, न किसी को दाढ़ी बनाने दे रहे हैं, न किसी को बाल बनाने दे रहे हैं, अब किसी ने खुदा ना खासा दाढ़ी काट भी नहीं, उसको जूते लग रहे, उसकी वीडियो बन रही थी। एक जवान को पकड़ लिया, उसको कोड़े मार रहे हैं, वीडियो बन रही, हजारा कम्युनिटी को कत्ल कर रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, इज्जतें लूट रहे हैं, 400 खवातीन की इज्जतें लूटी गई, इतना जुल्म हुआ वहां पर। तरीन चेहरा दुनिया में दिखाया, अब दुनिया के तसव्वुर को बदल दिया। पहले तसव्वुर दुनिया में था जब हुकूमत इस्लामी आती थी, हुकूमत इस्लामी इज इक्वल टू इंकलाब इस्लामी, पहले यह तसव्वुर था। अब अमरीका ने 4-5 साल अफगानिस्तान में एक खुद साख्ता हुकूमत इस्लामी को बनाया और उसी हुकूमत से इतना जुल्म इंकलाब इस्लामी लोग भूल गए। अब पाकिस्तान में 2006 और 2007 में अगर किसी शिया को पकड़ के कहते ना हुकूमत इस्लामी चाहिए, नहीं चाहिए हुकूमत इस्लामी, नहीं चाहिए हुकूमत इस्लामी, सीख पर मुकालबा, हुकूमत इस्लामी आएगी ये मारेंगे, हुकूमत इस्लामी ये कोड़े मारेंगे, हुकूमत इस्लामी आएगी ये कत्ल वारदात करेंगे। अब पाकिस्तान का सुलझा हुआ स्टूडेंट ये कहता था मुझे हुकूमत इस्लामी नहीं चाहिए, वो तसव्वुरात को बदल देते हैं, वो तुम्हारी जहनीत को बदल देते हैं। इतना जहनीत को बदल दिया, उसके बाद अपनी बनाई हुकूमत पर खुद हमला करके बताया कि हमने तुझे हुकूमत इस्लामी से निजात दिलाई,
उसके बाद वीडियोस दिखाई कि बार्बर्स के पास और बाल काटने वाले नाइयों के पास रश लग गया कि लोग सिर्फ अपनी दाढ़ियाँ छोटी कराने लगे हो गए थे, लाइनें लगती थी, इतने लोगों के बाल बड़े हो गए थे। जिसमें न तहजीब थी न अदब था ताकि तसव्वुर बदला जाए। और तालिबान की हुकूमत के बाद किसी भी हुकूमत ने, मिस्र में इनकलाब आया, तुनिस में इनकलाब आया, लीबी में इनकलाब आया, किसी भी हुकूमत में जिन लोगों ने इनकलाब लाए, ये डिमांड नहीं की कि हुकूमत इस्लामी चाहिए। सिर्फ ये डिमांड थी इस हाकिम को हटाया जाए। और कौन सी हुकूमत आए, सेक्युलर हुकूमत आए या लिबरल हुकूमत आए। तो दुश्मन बड़ा धीमे धीमे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नशे की तरह आपके जहनों पर काम करता है। और किसके ज़रिए से, उसकी बुनियाद है माश के ज़रिए से। ये टिकटॉक, ये फेसबुक, ये फिल्पिंग, ये सारी आप देख रहे हैं कि जवान सिर्फ लाइक्स को बढ़ाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है कि कई जवान इस चक्कर में मर भी चुके हैं। यानी इंसान अपनी आखिरत को तबाह कर रहा है ताकि मेरा माश बन जाए। एक दूसरी सोच है हुसैन इब्न अली की सोच है, इंसान अगर जान देनी भी है तो कयामत के लिए जान दो। जो जाम शहादत नोश करने का तसव्वुर इमाम हुसैन ने दिया, देखिए इन्होंने जहाद के तसव्वुर को ख़त्म कर दिया, लफ्ज़ मुजाहिदीन पे पाबंदी लगाई। हमारे भाई जब गए कैनेडा मजालिस पढ़ने के लिए तो 7 दिन वो जेल में रहे, 7 दिन। वजह क्या थी, उन्होंने उनकी कॉपीज मोबाइल सब कुछ लिया। और उस वक्त ये पता है 2006 में तालिबानाइजेशन वो उरूज पर थी, और उन्होंने उसकी कॉपी ली और उससे पूछा, भाई तुम्हारे अशरे का मौजू क्या है? तो उन्होंने कहा जिहाद अकबर। वो जिहाद का जो उन्होंने लफ्ज़ सुना इसमें कही, तो लोगों को शहादत का दर्द दे रहा है। अब उनको 6 दिन लगे समझाने में कि जिहाद असगर क्या है और जिहाद अकबर क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो दुश्मन जिस तरीके से काम कर रहा है, हम उस तरीके से नहीं कर रहे। उसने मीडिया बनाया, उसने फेसबुक बनाया, उसने टीवी बनाई, उसने सिनेमा बनाया, उसने सीरियल्स बनाए। अब देखें पाकिस्तान में पहले लोगों के दिलों में सऊदी अरब की बड़ी मोहब्बत थी। अवाम उन्नास और आम नास की बात कर रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत सऊदी अरब से। मक्का मदीना हरम है, मक्का मदीना हरम। अब किसकी मोहब्बत है, तुर्की की। अब हीरो कौन है, अर्दोगान हीरो है पाकिस्तान के मुसलमानों का। क्यों हीरो बना, एक ड्रामे ने काम कर दिया। जब तुर्की के ड्रामे आना शुरू हुए, तुर्की ने स्पॉन्सर करना शुरू किया, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना शुरू की, माल बाश ड्रामे बनाए, बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन रफ्तार आपको दिखा दी और 4-5 बयान दे दिए कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। अब शर्म भी नहीं आती, इसराइल का एम्बेसी अपने मुल्क में खोला हुआ है। और धमकी किसको दे रहे हैं, यूएई को, कि तुम इसराइल के साथ हाथ क्यों मिला रहे हो, पहले खुद बंद करो तो फिर तुम्हें कहने का हक है। कि खुदा ना खास करते हैं कि मुसलमान ईरान की तरफ नजर रखते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए रोल मॉडल सऊदी अरब था। सऊदी अरब की शख्सियत ख़राब हो गई, अब मुस्लिम उम्मा सऊदी अरब से नफरत करती है, जमात इस्लामी का मुंह बंद है। कई अरसे से मैंने देख रहा हूँ बयान आया, किस मुंह से बात करें, जिन्होंने रैलियाँ निकाली इसराइल के खिलाफ, अब वही मुल्क उससे हाथ मिला रहा है। अब अल्टरनेट तो चाहिए ना, मुस्लिम उम्मा को अल्टरनेट लीडर चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसके पीछे लगे, जिसको मुसलमान नाश करे कि भाई हाँ मेरे पास भी कोई लीडर है। तो इन्होंने कहा अगर वो निकल गया तो अल्टरनेट उर्दगान को बना लो, तुर्की को बना लो। अब वो उस्मानिया हुकूमत, वो खिलाफत उस्मानिया, अलग यही बदबख खिलाफत उस्मानिया, ये हलब को जो आपको शहर दिखाते हैं, इन्होंने तारीख अपने ड्रामे में बड़ा मस्त किया। वहाँ पर जो हुकूमत दिखाते हैं हलब में, दिखा रहे हैं भैया आशी फला हैं, वो सारी हुकूमत फातिमी हुक्मरानों की थी। पूरे हलब में उस वक्त के शाम में शिया हुक्मरान थे। उस्मानियों ने आने के बाद सबसे ज़्यादा जिसको मारा वो शियों को मारा, तमाम तर फातिमी हुकूमत को ख़त्म किया। और ये आप देखें कि पूरी तकरीबन खित्ते पर वो काबिज़ हो गए थे, लेकिन वो ईरान पर कभी भी काबिज़ नहीं हो सके थे। यानी खुद दौलत उस्मानिया को भी अगर किसी ने शिकस्त दी, वो ईरान में सफवियों की हुकूमत थी। इनकी हसरत रह चुकी थी कि हमें ईरान कब्जे में आ जाए, लेकिन उस वक्त भी वहाँ पे मौला के जाने वाले थे, उन्होंने उनको शिकस्त दी थी। तो तारीख को मस्क किया जाता है लोगों में, देखे ना, मोहब्बत का डालना, मोहब्बत का निकालना। मासूम फरमाते हैं दीन इल्ला हुब्बे वल बुग्ज़, ये मोहब्बत तेरा दीन है, ये बुग्ज़ तेरा दीन है।
فرماتے ہیں الدین الا الحب، دین محبت اور وہ اس کا نام ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے وہ تیرا دین ہے، جس سے تو بغض کرتا ہے وہ تیرا دین ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، پوری زیارت عاشورا میں لعنت ہے یا سلام ہے یہی تیرا دین ہے، یہی تمہاری سوچ ہے، جس پہ سلام بھیج رہا ہے وہ تمہارا رول ماڈل ہے، جس پر لعنت بھیج رہا ہے اس سے تمہاری برات ہونی چاہیے، یعنی تمہارے وجود میں دو چیزیں ہیں، یا تم محبت کی بنیاد پہ جذبات رکھتا ہے یا نفرت کی بنیاد پہ جذبات رکھتا ہے، انسان اگر جہاد کے لیے جاتا ہے اپنے جسم کو قربان کرتا ہے تو کسی کی محبت میں جا رہا ہے، خدا کی محبت میں اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، علی اللہ اور رسول کی محبت میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کر رہے ہیں، حسین اللہ کی محبت میں سر کٹوا رہے ہیں، علی اکبر حسین کی محبت میں کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں، جناب زینب خدا کی محبت میں نیزوں کی انیوں کو برداشت کر رہی ہیں، یہ محبت ہے، اور کبھی انسان نفرت میں لڑتا ہے، شیطان کی نفرت میں، فرعون کی نفرت میں، وہ ابراہیم جس نے محبت خدا کی خاطر خود کو آگ میں پھکوا دیا، محبت میں تو کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج جس سے محبت ہے وہ تیرا دین ہے، کس سے محبت ہے؟ کیا معاش سے محبت ہے یا معاد سے محبت ہے؟ کیا تیرے دل میں قیامت کی محبت ہے، قبر کی محبت ہے، موت کی محبت ہے؟ امام فرماتے ہیں میرے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ شیعہ موت سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بقا ہے اس دنیا، جب تک تو بقا سے محبت نہیں کرے گا اور فنا میں وہ بڑھے گا، ٹاپک سے میں نکل گیا، زکاۃ کی گفتگو ہو رہی تھی، تو جب تک انسان، یہ پہلی نشانی، یہ جذبہ ایثار ہے، کیا تو قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو اس دین کو اور دین کا مورچہ، اس کی فوج کیا بنی؟ حوضے بنے، مسجد بنی، علماء بنے، طلباء بنے، دینی تنظیمیں بنیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ دین کی حفاظت کرے، اگر یہ پانچ ارکان کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ کا بچہ بے دین بن جائے گا، اگر مولوی کرپٹ ہو جائے تو آپ کے بچے کرپٹ ہو جائیں گے، اب ہم نے کتنا ان پانچ مولا کی فوجوں کو مدد کی، پیش امام نماز پڑھانے آتا ہے، تنخواہ 10,000، یہ میں امام کے فوج کی مدد کر، یہ وہ فوجی جو دین کو بچا رہا ہے، میرے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، تنخواہ 10,000، لیکن میرے بچے کی جیب خرچی بھی اس سے زیادہ ہوگی، میرا بچہ جب پزا کھانے جاتا ہے اس کا خرچہ بھی 5,000 ہے، لیکن جو دین کو بچانے کی جو فوج ہے امام کی، جو دین کو سنبھالنے والی فوج ہے، جو مولانا تمہارے بچوں کو قرآن پڑھائے، روزانہ نماز پڑھائے، جو دین کا درس دے، میں اس کی تنخواہ کتنی رکھتا ہوں؟ 10,000، تو یہ فوج ذلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ فوج خوار ہوگی کہ نہیں ہوگی جب اس کا معاشرے میں اسٹیٹس بالکل لو لیول کا ہوگا؟ ہمارے عزت کس کی؟ صرف خطبہ، ادھر ادھر جاتے ہیں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن جو دین کو زیادہ سنبھالتے ہیں وہ مسجد کو سنبھالنے والے، وہ مدارس کو چلانے والے، جہاں پہ علماء پڑھیں، جہاں پہ امام زمانہ کے بچے پلیں، کہ شیخ مفید مفید کا واقعہ نہیں سنا کہ خواب دیکھتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اس کے خواب میں آتی ہیں، پردے میں ہیں، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف دو بچے ہیں، اور کہتی ہے شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ میرے بچوں، شیخ صبح نیند سے اٹھتا ہے پریشانی کے عالم میں، ارے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، میری جرات میں حسن و حسین کو پڑھا، یہ کیسا خواب تھا؟ شیخ کہتا صبح سے لے کر دوپہر تک میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور مصلی پہ روتا رہا، پروردگار اس خواب کی تشریح کیا ہے؟ کہیں مجھ میں غرور اور تکبر تو نہیں آ گیا؟ ایسا خواب دکھایا گیا کہ شیخ تو خود کو کیا سمجھنے لگا ہے؟ کہ پریشان تھا اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا ایک کالے برقعے میں سید زادی ہے، جس کے ہاتھ میں دو بچے ہیں، کہتی ہے شیخ میں بیوا ہوں، یہ دو میرے بچے ہیں، ان کو دین کی تعلیم دے، کہ ایک سید رضی بنا، دوسرا سید مرتضی بنا، جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، کہ تم تک نہج البلاغہ پہنچی، شیخ یہ میرے بچے ہیں جو دین کی سرحدوں کو زمانے سیدہ اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ محافظ دین ہیں، اور ہم نے اپنے دین کے محافظوں کے لیے کیا کیا؟
जाइए मदरसों का हाल देखिए। पिछले साल सख्त सर्दी का मौसम, मैंने 5-6 मदरसों का विजिट किया, सख्त सर्दी का मौसम जिसमें कंबल लेकर आदमी सोए, मजबूत कोट पहने, अपने बच्चों के लिए 6-6 हज़ार की कोट लेता हूँ, और उस मदरसे में गए कि उन बच्चों के पास पाँवों में जोराबे भी नहीं थे। हीटर तो दूर की बात है, उनके कमरे में हम बोलाना पैसे ही नहीं। मैंने अपनी सर्दों को छोड़ दिया, आज मदरसों के हालात देखे, छोड़ दिया, मैं उन कामों में लग गया जिनसे मेरे दीन को कोई फायदा हो ही नहीं। तो जब फौज इमाम कमज़ोर होगी, जब आपके हौजे कमज़ोर होंगे, जब आपके मदारिस तुलबा उलमा कमज़ोर होंगे, तो यकीनन आपका दीन भी कमज़ोर हो जाएगा। तो ये है नासिर इमाम ज़माना का मतलब क्या, तो दीन की जड़ों को मजबूत कर। एक तरफ शैतान है जो टीवी के जरिए, ड्रामों के जरिए पूरा दिन दीन को खोखला कर रहा है, फेसबुक ट्विटर हर जगह आप देख रहे क्या खोखला हो रहा है, दीन तबाह हो रहा है ना, ईमान जा रहा है, हया जा रहा है, गैरत जा रही है, बेपर्दगी फैल रही क्या नहीं फैल रही, मेरी शादियों में हाल क्या है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। ये क्यों है, क्योंकि मैं कल्चर को कॉपी करता हूँ। मुझे वैसी शादी करके एक्टर की हुई, किसी फला मोहल्ले में फला जवान की हुई, मुझे ऐसी शादी, मैं कॉपी कल्चर का बहुत मोतकिद हूँ, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जैसी जहरा और अली की, मुझे ऐसे खुशी नहीं मनानी जैसे अहले बैत खुशी मनाते थे। खुलासा कर रहा हूँ, आज बात कर रहा हूँ, कल इसकी तफसील में जाऊँगा। कल्चर कितना एडोप्टेड है और हम कितना उसमें डूबे हुए हैं। जब आज अगर मौला अली की विलादत का जश्न भी मनाया जाता है ना, उसमें केक काटा जाता है। अब केक से मेरी दुश्मनी तो है नहीं, केक में दूध है और आटा है और शक्कर है, लेकिन केक कल्चर कहाँ से आया है? बात कल्चर की है। आज कोई बच्चा किसी ऐसे बर्थडे का तसव्वुर कर सकता है जिसमें बर्थडे केक ना हो? यानी मैं आपको अपने घर बुलाऊं, आज मेरे बेटे का बर्थडे और आप आ जाएं, बोला ना केक कहाँ? आते ही सवाल ये होता है केक कहाँ, क्योंकि तसव्वुर में नहीं कर सकता कि बर्थडे विदाउट केक हो। ये किसका तसव्वुर, ये किसका कल्चर है? वेस्टर्न कल्चर। भाई बर्थडे केक क्यों? हाँ, मैं लोगों को फ्रूट भी खिला सकता हूँ, मैं कोई नई चीज़ बना सकता हूँ, मैं कोई अपना कल्चरल फूड रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे जहन में ये कहाँ से आया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, मेरी हरकतें, मेरे आमाल, मैं किस कल्चर में डूबता जा रहा हूँ। अब कल्चर अच्छा बुरा उसकी बात नहीं कर रहा, केक काटना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि मेरे पास एडोप्टेड कल्चर कितने हैं, मेरे पास कोई क्रिएटिव माइंड नहीं है। इस कौम से क्रिएटिविटी खत्म हो गई। फेसबुक भी तो किसी अंग्रेज जवान ने बनाया था, वो भी एक स्टूडेंट था, क्यों पाकिस्तानी जवान एक फेसबुक नहीं बना सकता? क्यों हम अपने शिया डायरेक्टर पैदा नहीं कर सकते? क्यों अपने सीरियल और ड्रामे बनाने वाले लोग नहीं बना सकते? क्यों एक शिया मालदार पैसे वाला कोई इस्लामी तर्ज की अखलाकी फिल्म नहीं बना सकता? एक्टर का काम तो फीस लेना है ना, जो कपड़े पहना वो पहने का, यही एक्टर है, दुपट्टा उतरवा उतारेगी, दुपट्टा सर पर खुद रखे, उसका तो काम पैसे से है ना। आप पैसा दें वो बहुत महजबा बन जाएगी, हाँ, उर्तुगल की बीवी जैसे गैरत आ गई थी ना लोगों में, तस्वुर आपके जन। भाई एक्टर का काम है एक्ट करना, जो आप पहनाओगे वो पहनेगी, जैसा कैरेक्टर दोगे वैसे डल जाएगी। सवाल यह है कि तुम ऐसे ड्रामे नहीं बना, हमारी सोच ही नहीं है। कुरान में लफ्ज है काफ, जो काम दुश्मन करे उसी के जरिए दुश्मन को शिकस्त दो। अरब के मुआशरे में शेर व शायरी और पोइट्री की बड़ी वैल्यू थी, कुरान को पोइट्री के अंदाज में नाजिल करके उन अरबों को शिकस्त दी। हजरत ईसा के जमाने में इलाज और मुआलजे और हिकमत की बड़ी वैल्यू थी, उस जमाने में किसी ईसा को भेजा तो मरीजों को जिंदा करना जानता था। हर जमाने में, किसी जमाने में लोहे के काम की बड़ी वैल्यू थी, हजरत दाऊद को भेज दिया जो लोहे को नरम करते थे। हजरत सुलेमान के जमाने में जादू और चंबल की बड़ी इज्जत और वैल्यू थी, हजरत सुलेमान उड़ना और अपनी कश्ती को परवाज करना लोगों को दिखाते थे, जिन्नात का मुकाबला करना जानते थे। हर जमाने में वैल्यू होती, आज किस चीज़ की जंग है? उस सिंफ में जवान जब सोचे, पढ़ने जाए, मेहनत करे, उस फील्ड में जाए कि मेरी जिंदगी और दुनिया भी बने और दीन इस्लाम भी बच जाए, अगर ये सोच हो, ये फौजी बनेगा इमाम ज़माना।
जिसने उस इमाम ज़माना के निज़ाम के लिए एक छोटा सा काम भी किया हो, वो सोशल मीडिया का काम हो, वो फाइनल शो इकोनॉमिकल काम हो, वो कोई भी काम हो, वो सिनेमा में ड्रामाज में कोई भी काम करे, ऐसा काम जब लोगों के वजूद में इस्लाह हो और बहबूद लाए और ज़कात तक, यानी अगर जो माल कमा रहा है ये सोचे अगर अपने बच्चों पर खर्च कर रहा हूँ तो मौला एक लुकमा हसन को देते थे, एक लुकमा किसी गरीब को देते थे। किसी ने सवाल किया था मासूम से कि मौला कमाता मैं हूँ और ये माल किसी और को क्यों दूँ। इमाम फरमाते अगर ऐसा होता तो जब तू पैदा हुआ था दूध तुम्हारी माँ के सीने में था लेकिन बना तेरे लिए था, तो खुदा देता तुझे है लेकिन तेरा नहीं होता, वो होता किसी और का है। तो अगर ये सोच आ जाए जो सोच इमाम हुसैन की है तो वल्ला हमारे बच्चे ये मुआशरा दीनदार बन जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। माश की मोहब्बत इंसान से बहुत कुछ करवाती है और क़यामत का डर और खौफ भी इंसान से बहुत चीज़ों से उसको रुकवाता है। मिलता एक मोमिन था, हुसैन का ज़ादा था, जब भी मुहर्रम का चांद नज़र आता था ये अपने घर में फर्श अज़ा बिछाता था। अमीर था, दौलतमंद था, बड़ा नज़र व नियाज करता था, लेकिन वक्त बदला और इस वक्त के बदलने में इसे फ़कीर बना दिया। इतना गरीब हुआ, घर का सामान, बीवी का जेवर सब कुछ बेच रहा। कब मुहर्रम का चांद नज़र आया, रोजा के पास क्या कहा कि इतने मजलिस के खराजात हैं, कोई रकम है? रोजा ने कहा रकम तो कुछ भी नहीं बची। तो इसने कहा कोई जेवर कोई बाली कुछ है सोना में बेचूँ ताकि मौला हुसैन की मजलिस कर पाऊँ? बीवी ने कहा कुछ ही नहीं। थोड़ी देर इसने सोचा कि अगर तू राज़ी हो जाए तो हुसैन की मजलिस हो जाएगी। तो इस माँ ने कहा कि मैं राज़ी हो जाऊँ? क्या मैं राज़ी नहीं हूँ कि माँ की मजलिस हो जाए? करने में एक काम है अगर तू राज़ी हो जाए। कहा कैसा? कहा कि देखो अल्लाह ने हमें एक जवान बेटा दिया। अब ये पुराना ज़माना था ग़ुलामों का, बर्दा फरोशों का। कहा अगर तू राज़ी हो जाए इस बेटे को बाजार में बेच दे, उससे जो रकम मिलेगी पैसे मिलेंगे इमाम हुसैन की मजलिस करवाएंगे। मैंने कहा तुमसे पूछ लूँ, माँ का दिल है नाजुक होता है, तुम्हारी इजाज़त के बगैर तो नहीं जा सकती। ये खातून थोड़ी देर सोचने के बाद रोने लगी। तो शोहर ने क्या इतने में रोने लगी हो? कहा नहीं, इसलिए नहीं रो रही, रो इसलिए रही हूँ कि जब भी हुसैन मिले सुनती थी, मसाहिब सैयदा ज़ैनब सुनती थी और ये सुनती थी कि माओ ने बेटों को सजा धजा कर हुसैन की कुर्बानी के लिए भेज दिया, जब कासिम की मुसीबत सुनती थी एक गठड़ी में ये लाशा आया तो रो कर कहती थी बीबी ज़ैनब अगर करबला में होती ये जो मेरा बच्चा है ना इसे तुम पे कुर्बान करती। तो कहती है कि जज्बात में ये जुमला कह देना कितना आसान है, अब जब अमल की बारी आई है तो सोच रही हूँ वाकई दिल में पत्थर रखना पड़ रहा है। तो कहती है मैंने तो ज़ैनब से कहा था तू ले जा मेरे बेटे को, ऐसे लाखों बेटे सैयदा पे कुर्बान। बाप कहता है बेटे को बर्दा फरोशों की बाजारों में लेकर आया। उस ज़माने में रस्म थी कि गुलाम की वैल्यू तब होती थी जब वो तंदुरुस्त हो, मोटा हो, वटा कट्टा हो। अब इसका बेटा 14-15 साल का लागर सा, पतला सा, कमजोर सा, इसने सोचा कि ये मेरी मजालिस के खराजात हैं, अगर ये कीमत मिल गई तो बेटे को बेच दूंगा। अब क्योंकि नहीं और कमज़ोर जवान सा, कोई उसकी कीमत इतनी लगा नहीं रहा था, थोड़ी कीमत लगी। इसने कहा इतने बेटे को बेचूंगा मजलिस भी नहीं होगी, फ़ायदा भी नहीं। अब मायूस के आलम में खड़ा था कि इतने में एक अरबी लिबास में घोड़े सवार आया, चेहरे पर निकाब, उसने मेरे हाथ पे आके रकम रखी और रकम जो मैंने सोची थी उससे भी कई गुना ज़्यादा रकम, जिससे मजलिस तो क्या मेरे सारे मसाइल हल हो जाए। वो रकम मेरे हाथ पे रखी, मैंने कहा कितने हैं? कहा ये रख लो और मेरे बेटे को लेकर चला गया। कहा खुशी खुशी घर आया, फर्श ऐसा बिछाया, हुसैन की मजलिस करवाई, नजर व न्याज करवाई। 3-4 रातें गुजर गई, रात को सो रहा था मुझे रोने की आवाज़ आई, आँखें खोली तो बीवी उठ के रो रही। मैंने कहा क्यों रो रही हो? अफसोस हो रहा है बेटे को बेचा है? कहा
नहीं माँ हूँ, अफसोस नहीं हो रहा, मुझे भी पता है हुसैन के मजलिस के लिए दिया, ये सोच के रो रही हूँ मेरा लाल किस हाल में होगा, उसका मौला उसका आका सही होगा नहीं होगा, ख्याल करता होगा नहीं करता होगा, कहीं मारता तो नहीं होगा, रात को खाना खा के सोया होगा नहीं सोया होगा, ज़मीन पे सोया बिस्तर पे सोया, वो जो माओ वाले ख्याल होते हैं बेटों के, ये वही जो बातें करने लगी, ये शख्स कहता है कि मैं भी रोने लगा, बेटे की याद आई दोनों रोने लगे। इतने में घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, दौड़े दौड़े गया और मैंने घर का दरवाजा खोला, शिद्दत से बेटे की याद आई थी, जब दरवाजा खोला तो बेटा सामने था, का दौड़े दौड़े आया और मेरे गले लग गया, सीने से तो लगाया, सीने को ठंडक तो मिली, लेकिन हुसैन का चाहने वाला था ये, इसने फौरन बेटे को सीने से जुदा किया, का मेरे लाल मेरी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी भी हराम के माल से हुसैन की मजलिस नहीं करवाई, मुझे हुसैन के सामने शर्मिंदा न करना, उस माश से हुसैन का जिक्र करो जो माश हलाल का हो, क्योंकि इमाम हुसैन लश्कर यजीद को मुखातब कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरी बातों का असर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुल्यत बुदूनकुम मिनल हराम, तुम्हारी शिकम में हराम के लुकमे चले गए, यह हराम का लुकमा हुसैन का फरमान नहीं देता, यह हराम का लुकमा अमल करने नहीं देता, फरमान मेरे लाल जिंदगी गुजर गई, मैंने हुसैन की मजलिस हलाल के पैसे से की, कहीं ऐसा तो नहीं तू अपने मौला को छोड़ के आया है, तू अपने आंखों को भाग के आ गया और सारी रकम हराम हो जाए, तो बाबा मुझे भी पता है आप किस नजरिए के मानने वाले हैं, मुझे भी पता है किसकी मजलिस के लिए आपने मुझे भेजा था, बाबा वल्लाह मैं भाग के नहीं आया, मेरे मौला ने मुझे आजाद कर दिया, कबू कैसे इतनी रकम दी और मुझे छोड़ दे, बाबा आज रात आपकी याद आ रही थी, मैं रोने लगा, बाबा तीन दिन हो गए उसने मुझे घर में ऐसे रखा जैसे अपने बच्चों को रखा जाता है, मेरी ऐसे खिदमत कर रहे थे जैसे बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, बाबा आज रात जब आपकी याद आई मैं रोने लगा, मेरे पास आए और मुझसे मेरी जबान में बात करने लगे, मैंने कहा आप तो अरब है लेकिन मेरी जबान में ऐसे बात करें जैसे आपकी अपनी जबान, कब मेरे लाल हम कायनात की हर जबान को बोलना जानते हैं, तू रो क्यों रहा है, कब बाबा की याद आई है अम्मा की याद आई है, कहा इतनी मोहब्बत है माँ बाप से, कहाँ का उनको मोहब्बत है कहाँ है, कहा फिर तेरे बाप ने तुझे बेचा क्यों है, कहा मुझसे मोहब्बत है लेकिन हुसैन से मोहब्बत ज्यादा है, कौन हुसैन, कहा मेरा आका था जो करबला में शहीद हो गया, उसकी मजलिस करवानी थी, पैसे नहीं थे बाबा ने मुझे भेज डाला, इसलिए रो रहा हूं, का इतना कहना था, उस अरब ने कहा कि मुझसे बेहतर कौन जानता है कि बेटों की जुदाई का दर्द क्या है, जवान खड़े हो जा और जा अपने बाप के साथ जाकर मिल, मैंने तुझे आजाद कर दिया, का मैंने ताज्जुब के आलम में पूछा आप मुझे आजाद कर रहे हैं और बाबा पूछेंगे तुझे आजाद क्यों किया, को मेरी बात का यकीन करें या न करें, तो मेरे लाल चला जा और मेरी तरफ से अपने बाबा को सलाम देना, और जब पूछे किसने आजाद किया तो कहना जिस हुसैन की मजलिस रखवाई थी उसी हुसैन ने आजाद किया, तो ये है फलसफे हयात, अपने वजूद को अपने बच्चों को हुसैन के हवाले करो और हुसैन के गुलाम बनो, फिर हुसैन जाने और हुसैन की आज़ादी जा, इस तरह लोगों ने हुसैन का जिक्र किया, हलाल का रिज्क खलूस के साथ, ईसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, फिर इमाम फरमाते हम ऐसी मजलिसों में आते हैं शिरकत करते हैं, आए मोमिन तो ये मत समझना ऐसी मजलिसों में तू खुद आया, मैंने तुम्हें दावत देकर बुलाया, ये मजलिस भी रिज्क है अजीज, इस तरह माल दौलत खाना पीना औलाद रिज्क है, ये मजलिस भी रिज्क खुदा है, हर किसी को नसीब नहीं होती, जिसे खुदा अता करता है उसे ही ये रिज्क मिलता है, दिलों को करबला ले जाए और सलाम करें अपने आका हुसैन को, जिस मौला को जालिमों ने सलाम के काबिल भी नहीं समझा, पत्थर मारते थे कहते थे ये बागी, बागी का मतलब जानते हो, यानी जो दीन से निकल जाए,
जो दीन की मुखालिफत करे उसे बागी। नवासे रसूल को ऐसे कहते थे और बीबी जब पत्थर खाती थी लेकिन पूरे सफर में कहती थी मेरा भाई नमाजी। इल्ज़ाम लगाए जाते थे आले रसूल पर कि अली नमाज नहीं पढ़ते थे। शाम वालों ने सुना अली की शहादत मस्जिद में हुई तो सवाल करते थे अली मस्जिद भी जाते थे। इतनी किरदार खुशी है, दुश्मन की साजिश है कि दीन को खोखला करना है तो जो दीन के असास हैं उनके किरदार को खराब कर दो, दिलों को करबला लेना। लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट
थी जब बिल्कुल छोटी थी, ज़ैनब उसे घर ले गई। ये यतीम थी इसे हुसैन ने पाला, कुरान ज़ैनब ने पढ़ाया। जवान हुई हुसैन ने शाम में शादी कर दी। हर साल मदीने आते थे मौला की ज़ियारत करते थे, इस साल भी करबला के वाक़े से पहले मदीने गए, हुसैन के घर गए, कदम बोसी की शिकायत करती है, कहती है मौला मैं अपने शोहर को कहती हूँ मेरा हुसैन बड़ा करीब, मेरे मौला ने मुझे ऐसे पाला जैसे अपने बच्चों को पाला करते, मुझे कुरान मेरी बीबी ने पढ़ाया, शागिर्द ज़ैनब। मौला हर बार कहता है तेरा हुसैन कब आएगा, बोला अपने घर में दावत दे, मैं तेरे हुसैन की दावत करूँगा, तेरे मौला के लिए बड़े ज़ुब्र लगाऊँगा, मौला कब मेरे घर आएंगे। इमाम को बड़ा प्यार आया, प्यार से कहा शीरी Amen.